अभी जो जिसे हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं, जिसे हमें लगता है कि हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट को ये रिजॉल्व कर सकता है, ये नहीं चल पाएगा। और नए तरीके से आपको सोचना होगा कि कैसे आप इनोवेशंस करके पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी, ताकि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा जो ग्रीवांसेस है, वो रिलीज हो सके, वो इतना मैनेजमेंट सही ढंग से हो सके। ये एक बड़ी समस्या इस संसार में भी आने वाली है। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि न केवल पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को, बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, हर प्रोफेसर को क्रिएटिविटी के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। और पॉलिटिकल क्रिएटिविटी सबसे महत्वपूर्ण है। जो स्टीफन हॉकिंग फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको पॉलिटिकल क्रिएटिविटी लानी होगी। आपको ये सोचना होगा कि कैसे आप लोगों को अपने साथ लेके चल सकें और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें। यदि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा तो आपके यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, आपके यहाँ ना एजुकेशन होगा। हम लोग वापस उस स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ कि हम एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। और पहले तो हम पत्थरों से मारते थे, अब मारने काटने का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। आने वाले कल में शायद ये और भी ज़्यादा विकसित हो जाए। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं जगह जगह जाकर यंग लोगों से भी, यूनिवर्सिटी के लोगों से भी, यूनिवर्सिटी के बाहर के लोगों से भी इस विषय में बात करूँ कि जो जहाँ है, जिस तरह के काम में, वहाँ क्रिएटिव थिंकिंग क्या रोल प्ले कर सकता है। और क्रिएटिविटी किताबों से नहीं आती है, काम करने के वक्त आती है। मैं अभी उस पर आऊँगा कि कैसे, आपने पूछा कि क्या हर एक इंसान क्रिएटिव है, मैं उस बात पर भी आऊँगा कैसे हर एक इंसान क्रिएटिव है, क्यों क्रिएटिव है। तो क्रिएटिविटी के बारे में बात करना, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करना, इसलिए हम लोगों ने तय किया है। एक छोटा सा फाउंडेशन हमने बनाया है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU के स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, दिल्ली के जो चारों यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, और भी बहुत सारे लोग बाहर से हैं। इसका नाम हमने रखा है फाउंडेशन फॉर क्रिएटिव सोशल रिसर्च, जो सोशल साइंस में क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। कि अभी चेतन जी से हमारी बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कट गया है समाज से, अलग हो गया है समाज से। तो हमने ये तय किया है कि हम समाज के अलग अलग हिस्सों में जाकर उनसे संवाद स्थापित करेंगे और एक क्रिएटिव रिसर्च का एजेंडा लेकर सामने आएंगे। ये जो क्रिएटिव थिंकिंग का वर्कशॉप है, ये उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ वर्कशॉप है, और हम लोग अभी इसको इवॉल्व करने की और भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको इवॉल्व किया जाए। आमतौर पर ये हो जा रहा है कि एक वक्ता है, बाकी सारे सोता है और बात खत्म हो गई, चले गए, हम उसे बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए वो ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एक पेज आपको दे दें, एक एक खाली पन्ना आपको दे दें, ताकि हम जो कुछ लिखने के हैं उस पर आप लिख सकें। ये आपका सेहत बहुत अच्छा है। पहली चीज़ आप लिखिए, 2 + 2 / 2, हाउ मच इज दिस, इतना बताइए, कुछ जवाब दीजिए। 2 + 2 / हाउ मच इज, 2। How many people are saying 2? नहीं, सब लोग जो लोग कह रहे हैं उठाइए हाथ। ओके, सी दैट इज वेयर योर माइंड्स अलर्टनेस हैज टू बी मेजर्ड। 2 + 2 / 2 = 3। नॉर्मली वी से 2, वी नो व्हाई वी से 2 एंड व्हाई वी से 3। सो अभी एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, ये तीन दोस्त थे, तीनों को नोबेल प्राइज मिला है। उनका कहना है कि अभी डिटेल में उस पर आएंगे, बट सिर्फ जिक्र कर रहे हैं उनका। उनका कहना है कि हमारे पास दो ब्रेन है, एक फास्ट थिंकिंग करता है, एक स्लो थिंकिंग करता है। और वो फास्ट थिंकिंग जो है वो इंट्यूटिव थिंकिंग है, उसमें हम सोचते नहीं है, सिर्फ जवाब देते हैं। तो फास्ट और स्लो थिंकिंग का कॉम्बिनेशन हमारे लिए ज़रूरी है क्रिएटिविटी के लिए। आई विल कम टू दैट। But let me begin with very simple thing. That is, what is the nature of human being? What is the nature of human being? What are we? हम लोग क्या हैं?
क्या इंसान और जानवर में क्या फर्क है? आप बताएं क्या फर्क है? रैशनैलिटी। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? यस? एनीथिंग एल्स? या फ्रॉम द बैक, क्या फर्क है इंसान और जानवर में? बताइए बताइए। Unless they communicate, it won't be really going far. Yes. आप बताइए क्या फर्क है? Thinking. जानवर में सोचते हैं, मुझे लगता है। अभी तो कुछ वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि पेड़ भी सोचते हैं। पूरी एक किताब उसके ऊपर आई है जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि पेड़ भी सोचते हैं। आप जो समझते हैं पेड़ सोचते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। और जानवर तो जरूर सोचते हैं। एक बड़ा बड़ा विद्वान है, उसने लिखा है, डज माई डॉग थिंक। और उसका मानना है कि माई डॉग थिंक्स, क्योंकि डॉग्स तो खास करके बड़ा रिस्पॉन्ड करता है आपको। आपका मूड खराब है वो समझ लेता है आपका मूड खराब है। आपका मूड अच्छा है वो समझ लेता है आपका मूड अच्छा है। बहुत जगह ये पाया गया है कि यदि कोई परेशानी में बंदा है तो उसका कुत्ता रोता हुआ पाया जाता है। इसका मतलब है कि वो सोचता है, ऐसा नहीं कि जानवर सोचते नहीं। फिर क्या डिफरेंस है? रैशनैलिटी कुड बी पार्ट ऑफ इट बट नॉट द होल ऑफ इट। आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल इज क्रिएटिविटी। वी आर क्रिएटिव बीइंग्स। द ओनली अदर क्रिएटिव बीइंग कंपेयर टू अस आर बर्ड्स। सम ऑफ द बर्ड्स विच मेक नेस्ट, घोंसला बनाते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स घोंसला होता है, इसको बनाना आसान काम नहीं है। एक एक लाना पिनका, फिर जोड़ना उसको, उसकी बिनाई भी बड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। जैसे आप स्वेटर पहनते हैं वैसे उसकी बिनाई होती है। लेकिन फिर भी जो इंसान की क्रिएटिविटी है वो कहीं ज़्यादा है। इंसान क्या करता है कि कुछ बनाने के पहले वो उसका इमेजिनेशन करता है, और उसके अंदर इमेजिनेशन की अद्भुत क्षमता है, अनंत क्षमता है। अब जैसे मकान बनाना हो हमें, तो हम 32 फ्लोर क्या 108 फ्लोर तक को इमेजिन कर लेते हैं, उसके सिक्योरिटी को इमेजिन करते हैं, उसका सारा कुछ इमेजिन करके हम उसको बना रहा होता है। ये जो रेजिंग स्ट्रक्चर्स इन योर इमेजिनेशन एंड देन रियलाइजिंग दैट इन द रियल लाइफ इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल टू ह्यूमन बींग, वेरी स्पेशल टू ह्यूमन बींग। नो अदर लिविंग बींग्स हैव बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म नेचर एज अ ह्यूमन बींग्स हैव। ज़्यादातर जो लिविंग बींग्स हैं वो प्रकृति से चीज़ों को एज इट इज़ खाते हैं, जो मिल गया उसको खा लेते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ रेसिपीज तैयार किए, मिलियंस ऑफ रेसिपीज तैयार किए। इनफैक्ट हिंदुस्तान में तो जब तक ये मशीनी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है कि पूरी दुनिया में एक ही तरह का पिज्ज़ा सप्लाई होगा, तब तो हर एक इंसान का खाना का अपना स्वाद होता था। एक ही रेसिपी बनती थी और माँ और बेटी के हाथ का अलग अलग स्वाद होता था। दैट इज क्रिएटिविटी। सो ह्यूमन बींग्स आर सेपरेटेड बाय ऑल अदर लिविंग बींग्स बाय क्रिएटिविटी, द आइडिया ऑफ क्रिएटिविटी। व्हाट इज क्रिएटिविटी? इट कम्स फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक आइडिया ऑफ ह्यूमन ब्रेन जिसको कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। व्हाट इज रिफ्लेक्सिविटी? यदि आपको इस कमरे में बंद कर दिया जाए और चारों तरफ ताला चाबी बंद कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब आपको बाहर निकलना है, तो आप बाहर निकलने के कई सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, कई तरह के उपाय आप कर सकते हैं। और कितने उपाय कर सकते हैं, किस किस तरह के उपाय कर सकते हैं, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दैट इज रिफ्लेक्सिविटी, दैट व्हेन ह्यूमन ब्रेन इज फिक्स्ड on doing something, some solving some problem, it can solve it in infinite way. Infinite way. और यही कारण है कि आज की तारीख में भी जो बड़े बड़े लोग लगे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, वो भी ये क्लेम नहीं कर पा रहे हैं कि हम ह्यूमन ब्रेन की तरह इन्फिनाइट सॉल्यूशंस दे सकते हैं। वो उतना ही सॉल्यूशंस अभी तक दे सकते हैं जो उनमें फीड किया हुआ है। थोड़ा बहुत परिवर्तन अभी आया है, लोग कह रहे हैं कि आने वाले 5-7 साल में वो ह्यूमन ब्रेन से आगे निकल जाएगा,
हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे यदि आपने अपने बच्चों को गेम खेलते हुए देखा होगा, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं आजकल गेम को लेकर। तो गेम में अभी 20th जनरेशन ऑफ गेम चल रहा है। उसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था कि आप वन साइडेड प्ले कर रहे हैं, आप गोलियां चला रहे हैं या आप बॉल्स गोल कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब क्या हो रहा है कि आप जो कुछ करते हैं उधर से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब वो रिस्पॉन्स फिक्स नहीं है, वो इंटेलिजेंट मशीन है जो वो सीख रहा है कि आप कैसे प्ले कर रहे हैं। हर बार जब वो हारता है अपनी हार को एनालाइज करके अगली बार अपने आप को करेक्ट कर देता है। तो अगली बार जब उसी तरीके से हराने की कोशिश करते हैं आप उसको, तो वो फिर जीत जाता है। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे गूगल में आप आजकल देखते हैं कि आपने चार बार कुछ सर्च किया तो पांचवी बार आपके फेसबुक पे वो आने लगेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो आर्टिफिशियली आपको लगातार एनालाइज कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर वो आपको ऑफर्स देना शुरू करेगा। तो दिस इज नाउ डेवलपिंग, बट येट जो ह्यूमन ब्रेन है इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट इनफिनाइट है। वी डू नॉट नो वेयर सेल वी आर। इनफैक्ट अब ये जो प्रतियोगिता अब है वो आदमी और मशीन के बीच है। आदमी और मशीन के बीच की जो प्रतियोगिता है उसमें कौन जीतेगा ये कहना अभी भी कठिन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदमी के पास अपने मशीन को आगे डेवलप करते रहने की क्षमता है। एक और चीज जो हमारे पास है जो उनके पास नहीं है, तो शायद बहुत कोशिश कर रहे हैं वो डेवलप करने की अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, वो है इमोशंस। और इमोशन भी एक तरह का इंटेलिजेंस है, और इमोशन भी क्रिएटिविटी को जनरेट करता है जो मशीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं हो सकता। ये बात हम आगे करेंगे कैसे उससे इंट्यूशन आपको करता है। बट लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता है कि वो इन्फिनाइट डेटा को स्टोर कर सकता है। उसका रैम जिसको कहते हैं, आप जो कंप्यूटर थोड़ा को जानते होंगे, रैम बेसिक चीज है आजकल, उसका रैम अपने आप बढ़ सकता है। उसको बढ़ाने के लिए किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, अलग से फिक्स करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ सकता है। और इन सबको कोऑर्डिनेट करके उसके अंदर एक रिफ्लेक्सिव कैपेसिटी है। जैसे आपने कभी सांप देखा और रात में आपने कोई रस्सी जैसी चीज भी है लेकिन सांप जैसा लगा, तो आपके माइंड ने उसको प्रोसेस करके आपको कह दिया कि वह खतरा है, नहीं जाना, तो सांप हो। ये जो प्रोसेसिंग की आपकी कैपेसिटी है ये इन्फिनाइट है। एंड दैट्स व्हाट मेक अस पर्सनालिटी। ये जो कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, रोबोट जो बन रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी नहीं बन पा रही है। इंटेलिजेंस बन जा रहा है, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, बट पर्सनालिटी उनकी नहीं है। हमारी पर्सनालिटी बनती है जो कंटिन्यूसली ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी बन रही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान क्रिएटिव है, हर इंसान में क्रिएटिविटी की असीम क्षमता है। जो मशीन उसके पास मिला हुआ है भगवान से, वो मशीन लगभग एक जैसा है। वो कैसे कंडीशन होता है, आपने उसको कैसे कंडीशन किया है, ये डिपेंड करता है कि आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है। और जो जो लोग ब्रेन पे काम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ब्रेन के जो सेल्स हैं वो बदलते हैं। यानी आप यदि प्रोफेसर बन गए, दो दोस्त हैं एक साथ पढ़ रहे हैं, एक प्रोफेसर हो गया एक ब्यूरोक्रेट हो गया, अब दोनों का माइंड अलग अलग काम में लगा है, तो दोनों का जो ब्रेन सेल्स का शेप है वो बदल जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बदल जाती है। ये जो वैज्ञानिक आजकल जो काम कर रहे हैं न्यूरॉन्स पे, और जो न्यूरोसर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि कैसे वो चेंज, एक ही आदमी यदि दो काम करने लगे अलग अलग टाइम पे, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। यानी एक फ्लेक्सिबल चीज़ एक मशीन हमें मिली हुई है। इसलिए बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, कहाँ से हम निकल के आ रहे हैं। लेकिन याद रखने की चीज़ ये है कि ह्यूमन एजेंसी इतना पावरफुल है कि हम कहीं से निकल के आ रहे हों हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
पहले हम क्या सोचते थे, जो कहीं से निकल के आया है उसकी सीमा है कि वो कहाँ तक जा सकता है। अब हम ये सोचते हैं कि हम कहीं से निकल के आए हैं, हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। स्काई इज द लिमिट फॉर ह्यूमन बींग एंड फॉर एवरी एंड एनी ह्यूमन बींग। हम सब लोगों के पास इतना ब्रेन का कैपेसिटी है, माइंड की हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। और जिन बच्चों को हम पढ़ाने जाएंगे, आप सब बीएड के शिक्षक हैं, जब बच्चों से अब इंटरेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी इतनी क्षमता है, यदि उनको ठीक से हैंडल किया जाए तो वो कहीं भी जा सकते हैं। अब सवाल है, इस क्षमता को नर्चर कैसे किया जाए, इस क्षमता को बढ़ा